ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖਾਸ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੱਕ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। दरअसल फीसा दे विच वाधा किया गया, यूनिवर्सिटी दियां फीसा, ट्यूशन फीसा, हर तरह दियां फीसा दे विच वाधा होया। इस वड्डी खबर नूं असीं तुहाडे नाल सांझी कर रहे हैं ते तुसीं इस खबर नूं अगे जरूर फॉरवर्ड कर दिओ, सब तक करियो। जिहड़े तुहाडे दोस्त मित्र विदेश जाण दा चाह रख रहे उत्थे जाके पढ़ना चाहुंदे आ उहनां तक भी इस खबर नूं जरूर पहुँचा दिओ ते नाल की नाल हर एक तक इस खबर नूं पहुँचाइओ तां जो सब तक इह जानकारी पहुँच सके ते पता लग सके कि किहड़ियां किहड़ियां फीसा दे वाधा हो रहा है। तो दस दी तुहानू कि कैनेडा दे विच पढ़ने वाले विद्यार्थियों के नाल जुड़ी एक खास खबर है। कुछ गैर क्यूबिक यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों लई ट्यूशन फीस अगले साल लगभग दुगनी हो जाएगी क्योंकि यह अंग्रेजी बोलन वाले नवे लोगों के खिलाफ सख्ती कर रही है। क्यूबिक सरकार ने शुक्रवार को इसका ऐलान कर दिया है कि बाकी कैनेडा तो सस्ती सिक्ख्या वास्ते क्यूबिक दी अंग्रेजी भाषावां दी यूनिवर्सिटियां दे विच आउण वाले विद्यार्थियों नूं सबसिडी देण तो रोकण वास्ते एक चंगे कदम दे वजों तैयार किया है। दस दे तुहानू कि सूबे तो बाहरले विद्यार्थियों वास्ते क्यूबिक दे विच पढ़न दी घट्टो घट्ट लागत इस वेले 8992 डालर रखी गई है। सूबे दे उच्च सिक्ख्या मंत्री पासकेल डेरी ने कहा कि बदलाव दे नाल इह वध के लगभग 17,000 हो जाएगा। सारे वाधू फंड अगले साल तो लागू होने वाली नवी ट्यूशन फीसा का आधा हिस्सा क्यूबिक सरकार नूं जाएगा। यह पैसा जिसकी हर साल लगभग 110 मिलियन की रकम होने की उम्मीद है दी वरतों क्यूबिक दियां फ्रेंच भाषावां दियां यूनिवर्सिटियां नूं फंड देने वास्ते की जाती है। डेरी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों वास्ते ट्यूशन फीस भी वधेगी जिसकी घट्टो घट्ट दर 20,000 डॉलर। हालांकि सूबे तो बाहर अते अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी जिन्होंने पहला ही क्यूबिक दे विच अपनी पढ़ाई शुरू कर दी उन्हें वाधू फीसा का भुगतान नहीं करना पवेगा। फ्रांसीसी भाषा मंत्री जीन फ्रांकोइस रॉबर्टे ने एक बयान कि ऐलान किए गए उपाय सानू फंड वापस करने की इजाजत देंगे जो यूनिवर्सिटी प्रणाली दे विच फ्रेंच भाषा को सुरक्षित रखने उत्साहित करने वधाउण वास्ते वरते जाणगे। कॉनकोडिया यूनिवर्सिटी के अनुसार इस दे लगभग 9% विद्यार्थी बाकी कैनेडा तो आते हैं, बाहरले मुल्कों तो आने वाले विद्यार्थियों का अनुपात 30% है। डेरी ने अगे कहा कि इस नवे कीमत के मॉडल वास्ते धन्यवाद, साढ़े को फ्रेंच भाषा उत्साहित कर फ्रेंच भाषा के यूनिवर्सिटी नैटवर्क की प्रोफाइल में वधाण गैर क्यूबिक फ्रोंकोफोन विद्यार्थियों साढ़े अदारे हाज़र होने वास्ते उत्साहित करने मजबूत उपा कर एक मौका है। तो थानू किमें लगे ये क्यूबिक सरकार का व्डा फैसला कमेंटा अपने विचारों जरूर सांझे करो तो वीडियो वो शेयर कर लो तो चैनल सबसक्राइब भी करो।